बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में बॉलीवुड के अब और बड़े नाम पुलिस के टारगेट पर हैं। रिसेंटली फिल्म मेकर महेश भट्ट ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। वहीं दूसरी तरफ धर्मा प्रोडक्शन के अपूर्व मेहता से भी जल्द ही सवाल किया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो हम सबके मन में है कि आखिर पुलिस इनको किस बेसिस पर क्वेश्चन कर रही है, तो आइए इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में अब बॉलीवुड के बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को मुंबई पुलिस ने 27 जुलाई को पूछताछ के लिए समन भेजा है। बता दें, रविवार को महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने उन्हें करण जौहर का मैनेजर बताया। अनिल ने बताया कि अब तक 37 लोगों से पूछताछ हुई है, जरूरत पड़ती है तो करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। फिल्ममेकर महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट अब दे दिया है। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने ये कदम कंगना रनौत के एक बयान के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और महेश भट्ट पर सुशांत को हरास करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों की ग्रुपिज्म के शिकार हुए थे, इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब यही बात अनिल देशमुख ने भी अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा कि पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या सुशांत वाकई ग्रुपिज्म का शिकार हुए थे या फिर नहीं। इसके पहले पुलिस ने आदित्य चोपड़ा सहित यशराज फिल्म्स के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के स्टेटमेंट्स दर्ज किए हैं। सुशांत ने यशराज फिल्म्स के साथ एक 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन 2015 में YRF के साथ उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और तीसरी फिल्म नहीं की। पुलिस ने सुशांत के डोमेस्टिक हेल्प और दोस्तों के बयान भी दर्ज किए हैं। इसके अलावा उनकी फिल्मों पर लिखने वाले पत्रकारों पर भी सवाल उठाए गए हैं। वेल, देखना ये होगा कि इस पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कोई नई इन्फॉर्मेशन लगती है या फिर नहीं। वेल, आपको क्या लगता है, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।